नमस्कार, मैं सचिन मित्तल, सचिन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आज आपसे बात करने वाला हूँ आरएमएस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। सभी को पता है कि आरएमएस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस आने वाला है। सैनिक स्कूल 9 जनवरी को है एंड आरएमएस जो है वो 23 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आशा है आप सभी लोग घर पर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर बच्चों के लिए और बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि आप ये सिलेक्शन आपका निकल जाए और आपकी जो आपने जो मेहनत करी है वो आपकी मेहनत रंग लाए। तो मैं भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, शायद आपके एग्जाम में वो आपको हेल्प करें। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप पहले एग्जाम का पैटर्न समझें। आपको एग्जाम का जब पैटर्न समझ आ जाएगा, पेपर पैटर्न आपको जब क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आरएमएस का बोर्ड है या फिर सैनिक स्कूल का बोर्ड है वो किस तरह की चीजें आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, किन स्किल्स, कौन सी स्किल्स आपकी वो चाहता है। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जितने हैं बार बार उन्हें प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पैटर्न समझ आएगा एग्जाम का। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप खुद को, नंबर 1 टिप्स ये है, सबसे पहले आप खुद को यकीन दिलाइए कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, जब आप एग्जाम, हमारे टीचर ऐसा कहते थे कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ये समझिए कि आपको ही सब कुछ आता है, बाकी सब गधे बैठे हैं। सेकेंडली, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम में जब आप जाएं तो पानी की बोतल साथ रखें। पानी की बोतल, पानी जब भी आपको नर्वसनेस फील हो तो आप पानी रेगुलर पीते रहें। ठीक है, और अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि नहीं, आप एक सेंटर में बैठे हैं, और अपने आप को बार बार, अपने माइंड को बार बार आप पुश करते रहें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखकर ही आप एग्जाम करें। ठीक है, मैं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बार बार याद दिलाएं कि नहीं, आप एक सेंटर में बैठे हैं, और अपने आप को बार बार, अपने माइंड को बार बार आप पुश करते रहें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखकर ही आप एग्जाम करें। ठीक है, मैं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी प्री प्लानिंग होती है ना, जैसे हम घर से ये सोच के जाते हैं, नहीं यार, आज तो पहले हम जीके करेंगे, फिर इंटेलिजेंस करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है, 5 मिनट लगाकर आप पूरा पेपर पहले सरसरी नजर से देख लें कि कौन सा पार्ट आप इजिली हैंडल कर पाएंगे जल्दी। ठीक है, सबसे पहले उसी पार्ट को अटेम्प्ट करें। मेस्मराइजिंग पावर का यूज कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बार बार अपने माइंड को बार बार रिवाइंड कराइए कि नहीं, आपको सब आता है, अपने माइंड को नर्वस बिल्कुल ना होने दें। ठीक है, इनकरेज करके रखें। ऐसा होता है ना, देखो, जैसे कभी कभी हम घर में भी उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं किसी चीजों के लेकर, तो हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करते हैं, ठीक है, हमारा फोकस बढ़ाते हैं। तो आपको अपने माइंड के लिए भी पेरेंट्स की तरह ही काम करना है। ठीक है, अपने माइंड को प्रॉपर इनकरेज करना है ताकि उसका फोकस बना रहे, नर्वस बिल्कुल नहीं होने देना है। और छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं सर्कल फिल करने में। ठीक है, मतलब आपको, आपको पता है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाकर, थोड़ा सा क्वेश्चंस पर जोर देकर आपको सब चीजें अच्छे से रीड करनी है। अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिलअप भी अच्छे से कीजिए। ठीक है, बस मैं, मेरी यही सब आप लोगों के लिए टिप्स थी। ठीक है, होपफुली आप लोग सभी टिप्स को और सभी जो चीजें बताई गई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप एग्जाम दीजिएगा, तो महादेव भी आप पर कृपा करेंगे और बिल्कुल आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।